आसार सावन और भद्र पद, यानी जो भद्र का महीना होता है, आषाढ़ का मतलब जो आषाढ़ चलता है, और सावन का मतलब जो श्रावण या सावन बोलते हैं, और भद्र या पोधपट्ठो, भद्रपद या पोधपट्ठ, इसको भद्र महीना बोलते हैं। जो भद्र की पूर्णमासी आती है, यानी जो भद्र महीने का आखिरी दिन होता है, जिस दिन चंद पूर्ण हो जाता है, यानी पूर्ण चंद हो जाता है, पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, उसके बाद आता है असयुज। असयुज को क्वार भी बोलते हैं या अश्विनी भी बोलते हैं। तो असयुज पाली के अंदर जब आता है तो उसके जो पहले 15 दिन होते हैं, आप इसको ऐसा समझिए कि पुराने समय में जो वसावास आरंभ होता है आषाढ़ से, उसको 60 दिन पूरे हो चुके हैं, 2 महीने पूरे हो चुके हैं, और अब 61वां दिन चल रहा है। और इन्हीं दिनों जो धान की फसल है, लगभग बाली आ जाती है उसमें, और वो पकनी शुरू हो जाती है क्योंकि मौसम बदलना शुरू हो जाता है, बारिश लगभग जाने वाली है, और उधर जो ज़मीन है उसमें पानी पूरा जा चुका है, और अब वो लगभग थोड़ी सी सूखने लगी है, तो उसमें हल चलाने की पोजीशन भी आने लगी है। और जो किसान जो थे, जो खेतिया लोग थे, वो सारे के सारे तैयारी करते हैं कि उनको खेतों में जाना है। उधर क्योंकि वसावास पुराने समय में बारिश ज़्यादा होती थी, तो वर्षा का काल अभी भी चल रहा है, तो संभवतः बारिश हो भी सकती है, ना भी हो, मौसम ऐसा रहेगा। 60 दिन भिक्कुओं को हो चुके हैं, भिक्कुणों के हो चुके हैं, जो उन्होंने जहाँ भी जो बिहार उन्होंने चुना है, जो आराम उन्होंने चुना है, आराम स्थल का मतलब है, जो जैसे जैतवन आराम होता है, जैतवन का आराम, जैतवन का बाग या जैतवन का बगीचा, तो जो भी उन्होंने आराम चुना है, जो जगह चुनी है, वहाँ पर वो रह रहे हैं, और अभी 1 महीने और रहना है, यानी कि पूरा असयुज जो है, जो क्वार है, पूरा महीना रहना है, 3 महीने कंप्लीट करने हैं, नियम है। तो 3 महीने कंप्लीट करने में 2 महीने हो चुके हैं, तो ये जो समय है इसको बोला गया पितुपक्ष। पितुपक्ष का मतलब है, या पितिपक्ष का मतलब है, पिता का पक्ष, इसको पाली के अंदर जो बोलते हैं पितुपक्ष बोलते हैं, पिता का पक्ष। अब ये पिता का पक्ष कैसे है, एक तो इसमें क्या है कि जो पूर्णमासी हो चुकी है और चांद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, तो ये कर्ण पक्ष भी है। कर्ण पक्ष का मतलब है काला पक्ष भी है, कर्ण माने कृष्ण माने काला होता है। तो यहाँ ड्यूटी ये लगी कि जो जिन लोगों ने अभी तक साधना नहीं की है, जो लोग अभी तक साधना में नहीं गए हैं, जो लोग अभी तक साधना में नहीं बैठे हैं, विपस्सना में नहीं बैठे हैं, तप में नहीं बैठे हैं, मेडिटेशन में नहीं बैठे हैं, या जो भिक्कुओं के पास अभी तक नहीं गए हैं, उनको अब वन बाई वन जाना है, और वहाँ जाके उन्हें सीखना है, और एक एक परिवार की ड्यूटी लगेगी अब भिक्कुओं को बुलाकर खाना खिलाने की। भिक्कु का मतलब है जो गंजे होते हैं, क्योंकि वो तो तमाम सफाचट होते हैं, बाल तो उनके होते नहीं, भिक्कुणु हो या भिक्कणी हो या भिक्कु हो, तो जो गंजे लोग हैं, जो भिक्कु लोग हैं, वो आने हैं घर में, और उनको खाना खिलाना है। तो ये तय हुआ कि जो लोग रह गए हैं, जो लोग नहीं जा पाए अब तक, वो जाएंगे और करेंगे। तो एक दिन सबने चूज कर लिया कि ये पितृपक्ष का मतलब है जेंट्स इस काम को करेंगे, यानी कि मेल इस काम को करेंगे, जितने भी नर होंगे वो इस काम को करेंगे, महिलाएं इस काम को नहीं करेंगी। ये जो महिलाओं की ड्यूटी है या महिलाओं करने वाली है, क्योंकि भारत में जो पुराने समय में लोग रहे हैं, वो सारा का सारा महिला प्रधान या नारी प्रधान, या यहाँ कुल माता का जो चलता था, कुल माता पालक होती थी, माता पालक यहाँ जो संखारा है, जो रीत है, जो सिस्टम है, वो यहाँ रहा है, और यहाँ कुल माता सबसे बड़ी होती है, उसी के घर में चलती है। मगर इन 15 दिनों में खास में पिता की चलनी है, पिता को अरेंजमेंट करना है, पिता को भोजन बनाना है, पिता बुला के लेके आएंगे, साधना में उनको जाना है, यानी जितने भी मेल हैं उन सबको ये काम करना है, तो फीमेल को नहीं करना है, यानी कि नर को करना है, नारी को नहीं करना है। नारी कब करेंगी, नारी करेंगी जब ये 15 दिन निकल जाएंगे, जब ये 15 दिन निकल जाएंगे, और ये 15 दिन निकलने के बाद में जब अमावस आएगी, अमावस के बाद में जो पहला दिन आएगा प्रतिपदा का, यानी 15 दिन बाद का, उसमें ये करेंगे। तो जो असयुज है, यानी जो असयुज है, जो अश्विन है, या जो क्वार का महीना है, उसमें जब सफ़ेद पक्ष आएगा, सफ़ेद पक्ष का मतलब है जब चंद्रमा बड़ा होना शुरू होगा, जिसको कह सकते हैं कि आप सफ़ेद सेत पक्ष आता है, जब सेत पक्ष आएगा तो सेत पक्ष में चंद्रमा ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। उसके जो पहले 8 दिन आएंगे अष्टमी तक, उनमें सारी महिलाएं
सारा काम छोड़ के और साधना करेंगी, विपसना करेंगी और उसके बाद में आगे बढ़ेंगी। यानी कि अष्टमी जो आएगी, जो अष्टमी जो होती है उसमें सारी महिलाओं का ये काम होगा कि पूरे आसपास के जो महिलाएं हैं वो भिक्षुओं के लिए भोजन वगैरह करेंगी और उस समय वो व्रत रहेंगी। व्रत का मतलब है कि जो पांच सील हैं, पांच सील जो व्रत सील बोलते हैं, जिनको वर्त सील बोलते हैं, उनका नियम का पालन करेंगी। इधर जो अभी करेंगे यानी जो सात पक्ष है या जिसको आज की भाषा में श्राद्ध बोलते हैं, बेसिकली शय शब्द तो है नहीं क्योंकि शय तो पाली में है नहीं, तो इसलिए ये सात शब्द है और पूरी पाली में कहीं श्राद्ध शब्द भी नहीं है। तो और ये जो परंपरा है ये भारत की मूल निवासियों की परंपरा है जिसमें वो भिक्षुओं को पिंडदान या भोजनदान, पिंड बोलते हैं खाने को, जिसमें चावल और दूध और शहद से बना हुआ एक सबसे उत्तम भोजन होता है उसको पिंड बोलते हैं और उसकी छोटी छोटी गोले बना लें तो उसको पिंडी बोलते हैं। यानी वो पिंडी दान करेंगे या पिंड दान करेंगे या खाने का दान करेंगे या भोजन दान करेंगे या संघ दान करेंगे या संघ दाना, ये सारा काम वो करेंगे, इसको इस नाम से जाना जाता है। और इस कार्यक्रम को करते समय वो कोई भी अशुद्ध काम नहीं करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे। तो ये जो श्राद्ध की परंपरा है या जिसको आज की डेट में श्राद्ध की परंपरा बोलते हैं, ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है जिसमें भिक्षुओं को नर पक्ष के लोग यानी जितने भी गांव के या मोहल्ले के या शहर के या कम्युनिटी के आसपास के जो मेल होते हैं, जो पितृ पक्ष के या पिता पक्ष के लोग होते हैं, वो सभी अरेंजमेंट करते हैं। जो मातु पक्ष है या जो माता का पक्ष है, जो माँ का पक्ष है, जो फीमेल का पक्ष है, वो करेंगे उनके बाद में। और जब अष्टमी निकल जाएगी, नौमी आएगी, दशहरा आएगा, उसके बाद में फिर पाँच दिन बचेंगे, पाँच दिन और साधना तप होगा, उसके बाद में भिक्खु पवर्णा की तैयारी शुरू कर देते हैं। पवर्णा में भिक्खु अपना जहाँ भी जाएंगे प्रचार करने के लिए वो तैयारी शुरू हो जाती है, तीन महीने से लेके और चौथे महीने तक। तीन महीने कंप्लीट होने के बाद में पूरा महीना पवर्णा का रहता है। पवर्णा में बड़ी उल्लास का समय रहता है, बड़ा धूमधाम रहती है, बड़ा चहल पहल रहती है, क्योंकि भिक्खु तीन महीने तक निवास करते हैं, फिर वो जाते हैं तो सारी शिक्षा जितनी भी होती हैं उसकी तैयारी करते हैं। उससे पहले वो उसकी जितना भी उन्होंने सीखा है वो वहाँ गांव वालों पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते हैं, सिखाने में कोई कमी तो नहीं रह गई। जो बड़े भिक्खु हैं वो उसको चेक करते हैं, बड़े सारे काम पवर्णा के अंदर होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष जो है वो बिल्कुल प्योरली भारत के लोगों का है। इसमें कहीं भी किसी भी हालत में कोई ऐसा कर्मकांड या ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करे। आपको अपने जो महापुरुष हैं, जो अपने पिता हैं, जो अपनी माता हैं, जो अपने बहन हैं, बुआ हैं, ताई हैं, चाची हैं, नानी हैं, नाना हैं, जो भी आपके रिश्तेदार रहे हैं कुर्मे मोहल्ले में सारे, उनके जो अच्छे काम हैं उनको विपसना के थ्रू याद करना है और विपसना में अपने आप को सिद्ध करना है, सफल करना है। साध का मतलब होता है सफल करना, सिद्ध करना। जो अपने आप को साध लेता है, जो पांच सील अपने आप अंदर कर लेता है वो अपने आप को साध लेता है, और साधु उसको बोलते हैं जो पांच सील अपने अंदर रखता है, जो पांच सील समझ जाता है, जो पांच सील से संपन्न होता है। तो इसी साध से साधु पैदा होते हैं और इसी साधु से जो समण संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। धन्यवाद।